फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में से कौन से इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हिस्ट्री में 9 चैप्टर्स थे, लेकिन 9 चैप्टर में से 25% सिलेबस रिडक्शन होने के बाद 4th और 6th चैप्टर कट कर दिया गया। 4th और 6th चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग हर लेसन में से देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में ऐसे कौन से क्वेश्चन आंसर्स है जो इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड में, थर्ड में, 5th, 7th, 8th, 9th, 4th और 6th का नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट लेसन का एक्सरसाइज पेज है। तो इसमें जो मेन आंसर्स है मैं वो बताती हूँ। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी कंप्लीट द फिलअप्स है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर है, और जो भी कॉन्सेप्ट चार्ट है वो पूरा करना है। इतना ही नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव्स इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो सारे आंसर्स टेक्स्टुअल होते हैं। 99% वो सारे आंसर्स टेक्स्टुअली ही आएंगे, लेकिन जो फिलअप्स थे, फिलअप्स, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट, रॉन्ग पेयर, ये सारे बाहर के आएंगे। इसमें से 50-50% होगा, आधे बाहर के आधे टेक्स्टुअल आएंगे। तो अगर कोई डाइजेस्ट है तो डाइजेस्ट प्रिफर करते हो तो डाइजेस्ट की जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी फिलअप्स हैं, उसको करके लो। उसको कॉन्सेप्ट चार्ट भी सारे कंप्लीट करो, रॉन्ग पेयर भी कंप्लीट करो। अगर डाइजेस्ट नहीं अवेलेबल है तो टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, ताकि इसमें फर्स्ट लेसन में मेनली किसने कौन सा बुक लिखा है, किसका रूल किस पे है, ठीक है, रेने डिस्कार्ट का रूल क्या है, कार्ल मार्क्स का रूल क्या है, वो सब फर्स्ट लेसन पे, ठीक है। तो यही सब करना है। अगर इसी को टेक्स्ट बुक रीडिंग प्रॉपरली किया कि किसका कौन सा बुक है, कार्ल मार्क्स की थियोरी क्या है, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आंसर्स की तरफ आते हैं। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, ये शॉर्ट नोट्स की तरह आता है हम लोग का एग्ज़ाम में, जो कोई दो लिखना होता है, तीन ऑप्शन में होते हैं। तो इसमें फर्स्ट लेसन में डायलेक्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद इट्स रीज़न, ये कोई चार होते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में 10th स्टैंडर्ड में, इसमें से कोई दो करना होता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से दोनों को पढ़ के रखो। फिर आंसर द फॉलोइंग इन 25-30 वर्ड्स या ब्रीफली, ठीक है। तो इसमें व्हाट डिड रेने डिस्कार्ट इंसिस्टेड अपॉन, ये आंसर एक इम्पॉर्टेंट है। और व्हाई इज वोल्टायर सेट टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो ये आंसर भी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने जैसे कहा था कॉन्सेप्ट चार्ट सारे करने हैं, और आंसर इन डिटेल में एक ही आंसर है इसमें, कार्ल मार्क्स थियरी। कार्ल मार्क्स थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर इन डिटेल के लिए आता है। आंसर इन डिटेल ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आते हैं, जिसमें से कोई दो करना होता है। और ऑप्शन कितने दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो कार्ल मार्क्स थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत लेंथी आंसर है और ये 3 मार्क्स का हो सकता है। कार्ल मार्क्स थियरी एक ऐसा आंसर है, वो लोग डिटेल में कौन सा आंसर डालते हैं जो 3 मार्क्स के लेवल का हो। तो कार्ल मार्क्स थियरी इतना लेंथी भी है और इतना इंपॉर्टेंट भी है, तो ये भी 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। सेकेंड चैप्टर की तरफ आते हैं, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। तो इसमें ये जो सहागुरा कॉपर प्लेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ऐसा ही एक डायग्राम फर्स्ट लेसन में भी है, लॉर्विन म्यूजियम का, वो और ये इसके ऊपर ही पिक्चर देके उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। तो ये पैराग्राफ को 2-3 बार रीड करो, उसमें क्या बताया उसको समझो, ताकि अगर ये आंसर आ भी गया तो भी आपको इसको रटना ना पड़े, आपको जो भी समझा उसके हिसाब से लिख सको। तो इसका डायग्राम देके आपको क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब सेकेंड चैप्टर के एक्सरसाइज में आ गए हम लोग। तो एक्सरसाइज मैंने बोला था कि जो फिलअप्स है उसको पूरा करना है। फिलअप्स को कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलअप्स कुछ भी आ सकता है। और ज़रूरी नहीं है फिलअप्स, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट और रॉन्ग पेयर, ये सब टेक्स्टुअल है, वो सब 50-60% बाहर के भी आते हैं। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद इट्स रीजन से हम सब स्टार्ट करते हैं। तो जिसका सेकेंड है, भाग का रीजन, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आंसर द फॉलोइंग इन 25-30 वर्ड्स में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिटेल्ड आंसर में मार्क्सिस्ट हिस्ट्री आएगा, व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। फिर नेक्स्ट, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट चार्ट, ये दोनों को सॉल्व करके रखो। और एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी और सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी। और अगर आपके पास ये लेसन अगर डाइजेस्ट नहीं, तो फिर कह रही हूँ मैं, अगर डाइजेस्ट नहीं है तो टेक्स्ट बुक को रीड करो, किसने कौन सा बुक लिखा है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के राइटर्स कौन थे, ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी के राइटर्स कौन थे, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के राइटर कौन थे, ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसमें? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये सेकंड चैप्टर था।
थर्ड चैप्टर है हम लोग का अप्लाइड हिस्ट्री, तो ये अप्लाइड हिस्ट्री का एक्सरसाइज पार्ट है, ये पूरा करना है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर भी पूरा करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में अप्लाइड हिस्ट्री और आर्चिव्स, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं। अप्लाइड हिस्ट्री और आर्चिव्स, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं। फिर आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स में, कुछ ज़्यादा आंसर्स नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा आंसर्स नहीं है, बस एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग रीजंस में। सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अनाउंस बाय यूनेस्को। तो ये बस इसमें तीन ही क्वेश्चन आंसर्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। फिर ऊपर कल्चरल हेरिटेज टैंजिबल इंटैंजिबल, ये चार्ट भी कर लो कि टैंजिबल में कौन से हेरिटेजेस आएंगे और इंटैंजिबल में कौन से। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग का फोर्थ चैप्टर स्किप करना है क्योंकि फोर्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिलेबस, उस सिलेबस के बाहर है, तो फोर्थ चैप्टर को हम लोग ने स्किप कर दिया। फिफ्थ चैप्टर है मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो मास मीडिया एंड हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस में से पूछेंगे, ये जो टॉपिक है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के टाइप्स क्या क्या थे, दर्पण ज्ञानोदय, ये सारे कौन किसने स्टार्ट किया, ये न्यूज़पेपर्स कब स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये है फिफ्थ चैप्टर का एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन पूरा करना है, रॉन्ग पेयर भी पूरा करना है। ब्रीफ नोट्स में जो इसका आंसर है, द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर का बहुत ही, न्यूज़पेपर ये लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक्स है ज्ञानोदय, प्रभाकर, ये दर्पण, ये सारे कब स्टार्ट हुए, क्यों स्टार्ट हुए, इसका फ्लो चार्ट भी है, जो डाइजेस्ट यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसका एक फ्लो चार्ट भी होगा, ठीक है। तो वो फ्लो चार्ट करके रखो, और ये न्यूज़पेपर का आंसर तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ रीज़न में, टेलीविजन इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, ये एक इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यूड क्रिटिकली। तो ये दो आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन एक है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ देख के हम लोग को इसका क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करना होता है, तो ये पैराग्राफ भी आ सकता है, ठीक है, ये पैराग्राफ भी आ सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं सिक्स चैप्टर, हम लोग का सिक्स चैप्टर सिलेबस के बाहर है, तो हम लोग सिक्स चैप्टर नहीं करेंगे। तो हम लोग का सेवन चैप्टर आ गया, सेवन चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो ये स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट ऑप्शन पूरा करना है, रॉन्ग पेयर भी पूरा करना है। राइट नोट्स में जो स्पोर्ट्स एंड मूवीज़ का आंसर है, स्पोर्ट्स और मूवीज़, स्पोर्ट्स मूवीज़ से कैसे रिलेटेड, उसका जो टेक्सचुअल आंसर है वो इम्पॉर्टेंट है, वो कर लो। और एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस, इसमें करेंटली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज़ बीनली सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, ये आंसर। फिर नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स, इसमें एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। मैंने जैसे बताया था कि टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आंसर भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट एक लास्ट, राइट डिटेल्ड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो एक्सप्लेन द क्लोज टाई बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स और हिस्ट्री कैसे रिलेटेड है। फिर लास्ट ये जो है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये डिस्टिंग्विश में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर करके रखो, ये फर्स्ट वाला आंसर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं एथ चैप्टर की तरफ, जो है टूरिज्म एंड हिस्ट्री। तो टूरिज्म एंड हिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट है मैं बोलूँगी वो टाइप्स ऑफ टूरिज्म जो है, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे टाइप्स दिए होंगे, लेकिन उसमें से हम लोग को कोई तीन टाइप्स पढ़ लेने कम से कम, टाइप्स ऑफ टूरिज्म के जो जितने भी है, लोकल, इंटरनेशनल और एग्रो टूरिज्म, सारे में से कोई तीन टाइप्स तो पढ़ने हैं हम लोग को, याद करके, ठीक है, याद करके पढ़ने, ताकि अगर उसका आंसर आया डिस्क्राइब एनी थ्री टाइप्स ऑफ टूरिज्म तो हम लोग कर सके। तो ये डिस्क्राइब एनी थ्री टाइप्स ऑफ टूरिज्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ एक्सरसाइज में। फिर यहाँ पे जो मार्को पोलो है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, मार्को पोलो का आंसर इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक्सरसाइज पे आ गए हम लोग अभी, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर टू है उसका फर्स्ट वाला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस का फर्स्ट वाला जो है, द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, तो ये आंसर एक इम्पॉर्टेंट है। फिर शॉर्ट नोट्स में मार्को पोलो इम्पॉर्टेंट है, मार्को पोलो, ठीक है। एग्रो टूरिज्म उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स में,
सिर्फ इन व्हाट वे टूरिज्म बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, ये इंपॉर्टेंट है. फिर कॉन्सेप्ट चार्ट तो करना है. फिर इलाबोरेट आंसर्स में डिस्क्राइब एनी थ्री टाइप्स ऑफ टूरिज्म. तो इसमें मैं बोल रही हूँ कि एग्रो टूरिज्म करो, क्योंकि एग्रो टूरिज्म इसमें भी है, और शॉर्ट नोट्स आंसर्स ये सब टेक्स्टुअली ही आने वाले. तो एनी थ्री टाइप्स ऑफ टूरिज्म के लिए एग्रो टूरिज्म करो, लोकल टूरिज्म करो और इंटरनेशनल टूरिज्म करो. ये ईजी भी है, बाय हार्ट भी जल्दी हो जाएंगे और इम्पॉर्टेंट भी है. अब लास्ट चैप्टर आ गया हम लोग का हेरिटेज मैनेजमेंट. तो हेरिटेज मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं. एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग अभी. तो यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस, ये फिलअप्स हो गया, रॉन्ग पेयर हो गया, और एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस, में ये दोनों इंपॉर्टेंट है. आर्चिव्स एंड लाइब्रेरीज पब्लिश रिसर्च जर्नल्स, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, पोस्टर एक्सेट्रा. तो ये स्टेटमेंट को रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है. और ये ओनली ट्रेन्ड पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चार्ट है वो टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज का, वो भी इंपॉर्टेंट है. राइट नोट्स में विश्वकोश इंपॉर्टेंट है, विश्वकोश. और एलोबरेट आंसर्स में वाई इज़ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एक आंसर इंपॉर्टेंट है जो एलोबरेट करना है. तो हिस्ट्री में ऐसे आंसर्स थे जो आ सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है. बाकी ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले भी बोला कि अगर डाइजेस्ट है तो डाइजेस्ट के सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लो, और अगर डाइजेस्ट नहीं है, डाइजेस्ट या मास्टर की नहीं है, तो टेक्स्टुअल टेक्स्ट बुक को बार बार रीड करो और देखो कि कौन से लेसन में क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. जैसे कि इसमें सरस्वती महल ग्रंथालय किसने स्टार्ट किया वो देखो. एनसाइक्लोपीडियाज के टाइप्स क्या है वो सारे ऐसे ध्यान से आप खुद निकाल के क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक अगर रीडिंग किया आपने तो आपको खुद समझ जाएगी कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट अब सिविक्स की पॉलिटिकल साइंस की तरफ आते हैं. तो पॉलिटिकल साइंस में 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 5th वाला जो लेसन था वो कट कर दिया गया है, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी. तो हम लोग को सिर्फ ये 4 लेसन ही करने हैं. तो फर्स्ट लेसन की तरफ जाते हैं. फर्स्ट लेसन क्या है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज में देखते हैं. तो हम लोग का एक्सरसाइज आ गया. तो फर्स्ट था हम लोग का फिलअप्स, और सेकेंड हम लोग का ट्रू और फॉल्स या गिव रीजन. तो इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन का जो आंसर है वो भी इंपॉर्टेंट है. फिर शॉर्ट नोट्स, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये एक आंसर इंपॉर्टेंट है. फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन. यहाँ पे भी हम लोग ने देखा कि सेक्रेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या होता है, सेक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज होता है. तो इसका और इसका, ये दोनों के आंसर्स के पॉइंट्स लगभग सेम होंगे, तो ईजी होगा पढ़ने को भी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये मेनली पूछा जाता है कि क्या वजह थी, क्या इफेक्ट्स था कि 18 से 21 ईयर्स किया गया, ठीक है. तो ये था फर्स्ट लेसन का. मैं फिर बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए टेक्स्ट बुक को रीड करो, या तो डाइजेस्ट के सारे टेक्स्ट, जो डाइजेस्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे सॉल्व करो. तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड चैप्टर, द इलेक्ट्रॉल प्रोसेस. ये लेसन मैं बताना चाहूँगी जो 78 पेज नंबर पे ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है. जो कॉन्सेप्ट चार्ट या फ्लो चार्ट में ये आ सकता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट चार्ट है इसको ध्यान से अच्छे से याद करके रखो, क्योंकि एक भी लाइन ऐसा मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है. सेकेंड चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ आ गए. तो एक्सरसाइज में करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस, फिलअप्स हो गया. ट्रू और फॉल्स में जो फर्स्ट वाला है, द इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन, इसका एक्चुअल आंसर लिख के कैसा कर सकते हैं कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन. तो इसके स्टेटमेंट को रीजन के साथ एक्सप्लेन करना होगा. फिर राइट शॉर्ट नोट्स में जो जर्नी फ्रॉम द बैलॉट बॉक्स टू ईवीएम मशीन, बैलॉट बॉक्स से ईवीएम मशीन का जो जर्नी है वो इंपॉर्टेंट है. रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर, ये जो पिक्चर है प्रोसेस बताना है इलेक्शन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. फिर लास्ट पार्ट आंसर इन ब्रीफ का, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. और लास्ट था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. और पॉलिटिकल साइंस में जो ब्रीफ के आंसर्स आते हैं वो 2 मार्क्स के लिए आते हैं,
तो मेनली ये जो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत परसेंटेज है कि आ सकता है ये। थर्ड आ गया हम लोग का पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर, तो इसमें इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट में जो आ सकता है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसके जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टरिस्टिक्स है, टू बी इन पावर, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, टू हैव अ पार्टी एजेंडा, टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, और ये टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो इसका भी ऐसा पूछ सकते हैं फ्लो चार्ट में कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सब हम लोग को करना होगा। फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 84 में जो नेशनल पार्टीज का स्टार्ट हो रहा है, नेशनल पार्टीज के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये सारे। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें आप इसके एजेंडाज नहीं पढ़ने, इसके ये इसका क्या पढ़ना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब एस्टैब्लिश हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ 1885 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये कब एस्टैब्लिश हुआ, ये 1925 में एस्टैब्लिश हुआ। फिर नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी कब एस्टैब्लिश हुआ, ये। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सारे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब कब एस्टैब्लिश हुए, इसको ध्यान में रखना और इसका एक खुद से फ्लो चार्ट तैयार करो कि फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ उसको पहले, फिर लास्ट में जो लास्ट जो स्टार्ट हुआ उसको एंडिंग में, एक फ्लो चार्ट तैयार करो। अगर डाइजेस्ट नहीं है, अगर डाइजेस्ट होगा तो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक फ्लो चार्ट अवेलेबल होगा जिसमें बताया होगा कि भारतीय जनता पार्टी कब स्टार्ट हुआ, तृणमूल कांग्रेस कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट चार्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्टी कब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। फिर यहाँ पे पेज नंबर 87 में है सम मेजर रीजनल पार्टीज एज शोन बिलो। तो कुछ रीजनल पार्टीज भी याद कर लो, चार पांच याद कर लो। पेज नंबर 87 में है शिवसेना हो गया, शिरोमणि अकाली दल हो गया, फिर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आसाम गण परिषद। तो ये सारे जो रीजनल पार्टीज है ये सब के नाम याद कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट चार्ट में आएगा कि रीजनल पार्टीज और बाजू में चार पांच बॉक्सेस होंगे, तो ये सब याद कर लो ताकि ये सब लिख सको। तो लास्ट ये चैप्टर के एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में हम लोग को ये फिलअप्स तो पूरा करना है, फिलअप्स पूरा करना है। यहाँ पे स्टेट द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट जो आंसर है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में रीजनलिज्म और नेशनल पार्टीज दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोग का पॉलिटिकल पार्टीज थर्ड चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर फोर्थ चैप्टर आता है हम लोग का सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो इसमें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ। तो फोर्थ चैप्टर के एक्सरसाइज में हम लोग आ गए। तो एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट ऑप्शन तो पूरा करना है। राइट नोट्स ऑन में ट्राइबल मूवमेंट और वर्कर्स मूवमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों नोट्स जो शॉर्ट नोट्स है, ये दोनों शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो ब्रीफ के आंसर में जो ये था, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट का नेचर क्या था वो इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय गिविंग रीजन। तो यहाँ पे तीनों जो है कंज्यूमर मूवमेंट के ऊपर है, मूवमेंट डू नॉट नीड अ स्ट्रांग लीडरशिप, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, मूवमेंट्स नीड अ स्ट्रांग लीडरशिप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो ये जो दो क्वेश्चन है वो तो मूवमेंट्स, वाई आर मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर है, और ये कंज्यूमर मूवमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है और इसके रीजंस भी याद कर लो। जैसे कि मैंने कहा फिफ्थ चैप्टर रिड्यूस सिलेबस से हट गया हम लोग के सिलेबस के, तो इतना ही था हम लोग का पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। तो अगर डाइजेस्ट है तो डाइजेस्ट प्रीफर करके सारे ऑब्जेक्टिव्स करो, और अगर नहीं है तो टेक्स्ट बुक रीडिंग प्रॉपरली करो, कम से कम दो तीन बार पूरे टेक्स्ट बुक को रीड करो, तब आपको ऑब्जेक्टिव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो आंसर शॉर्ट नोट्स जो आने वाले, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय रीजंस, आंसर इन ब्रीफ, ये सारे जो आंसर्स आने वाले वो सब टेक्स्टुअली ही आएंगे। बस ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है, फिलअप्स हो गया, फाइंड द रॉन्ग पेयर हो गया, कॉन्सेप्ट चार्ट हो गया, ये तीन चीज़ हम लोग को ऑब्जेक्ट मतलब ये सब टेक्स्टुअली नहीं आएंगे। टेक्स्टुअली से भी थोड़े बहुत आएंगे और थोड़े बहुत बाहर से भी आएंगे, मतलब 50-50 लेकर चलो कि 50% टेक्स्ट बुक से आएंगे और 50% बाहर से आएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।